और भाई क्या हाल चले यार, होप सब एकदम बढ़िया होंगे। बस कस तो भाई इस वीडियो में मैंने सोचा थोड़ा चेंज टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। बेसिकली गाइस मैंने अपने बहुत पहले एक वीडियो के कमेंट सेक्शन पर देखा, एक भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आपका जो फर्स्ट वीडियो था वो वीडियो पर आपने कितना अर्निंग किया, वो वीडियो कब वायरल गया और वो वीडियो कैसे वायरल हुआ। ठीक है, आपका जो फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ, सो आज मैंने सोचा कि यार देखो टिप्स एंड ट्रिक्स से अपलोड करता रहा काइन मास्टर का, मैंने सोचा बीच बीच में इस तरह की वीडियोस भी अपलोड करूँगा जो आपका भी थोड़ा बहुत हेल्प होगा। जो भी कंटेंट क्रिएटर है मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा बीच बीच में इस तरह की वीडियोस अपलोड करके। ठीक है ना, मैं यहाँ पर अर्निंग भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा ये जो वीडियो गाइस मेरा वायरल हुआ फर्स्ट वीडियो कैसे वायरल हुआ और उस पर कितना व्यूज़ पर कितना अर्निंग मिला। ठीक है मुझे, सो वीडियो लास्ट तक देखते रहना, आई होप आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते गाइस बिना किसी देरी की, लेट्स बिगिन। सो भाई अभी मैं आ चुका हूँ अपने क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, अभी मैं आपको अपना वो फर्स्ट वीडियो दिखाऊंगा जो वायरल गया था, उस पर कितना व्यूज़ पर कितना अर्निंग हुआ था अभी तक। सो पूरा दिखाऊंगा, देखते रहना। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करके, और यहाँ पर अगर आप जाके मेरे चैनल पर चेक करोगे एकदम लास्ट में ये वीडियो आपको मिलेगा। अगर मैं मोस्ट रिसेंट मोस्ट व्यू पर क्लिक करता हूँ सो यहाँ पर मेरे सारे टॉप व्यू वाले वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट पर आपको वीडियो दिख रहा है उस पर 1.7 मिलियन व्यूज़ है। सो ये मेरा टॉप वीडियो है जिसपे हाईएस्ट व्यू आया। अगर आपको इसका एनालिटिक्स जानना है कितना अर्निंग किया मैंने इस वीडियो से, सो कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा। आपको थोड़ा मोटिवेशन फील होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने अर्निंग थोड़ा ज़्यादा किया। ठीक है, सो इस वीडियो का भी अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। सो बाय द वे अब चलते हैं हमारे उस वीडियो की तरफ जो मेरा फर्स्ट वायरल गया था। सो ये रहा उसका वो वीडियो, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो भाई मेरे चैनल के एकदम लास्ट पर जाओगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो जो वायरल गया था यूट्यूब पर, और ये एक फोटो एडिटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, देखिए मेरा चैनल जो था वो पहले फोटो एडिटिंग से रिलेटेड था। अगर एकदम लास्ट में जाके चेक करोगे तो भाई थोड़ा बहुत आपको फोटो एडिटिंग के वीडियोस भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैं उस टाइम मैं ज़्यादा फोटो एडिटिंग करता था। फोटोशॉप वगैरह भी मुझे चलाना आता है बहुत ही अच्छे तरीके से, और मैं पहले फोटो एडिटिंग भी अच्छे से करता था। ठीक है, अभी यार फोटो एडिटिंग का क्रेज़ भी ख़त्म हो गया और इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, सो अभी मैंने छोड़ दिया फोटो एडिटिंग, अभी वीडियो एडिटिंग करता हूँ। पता नहीं क्यों वीडियो एडिटिंग ज़्यादा पसंद है अभी। ठीक है, सो वीडियो एडिटिंग की करता हूँ। सो ये वीडियो मेरा उस टाइम का सबसे वायरल वीडियो था, क्योंकि गाइज देखिए एक दिन मैंने देखा कि ये वीडियो मैंने सितंबर 14, 2018 को अपलोड किया था। ठीक है, सो उस दिन मैंने देखा कि भाई बहुत ही ज़्यादा लोग सर्च कर रहे थे और बार बार गाइज रिकमेंड पर इस तरह की वीडियोस आ रहे थे फ्यूचरिस्टिक फोटो एडिटिंग का। ठीक है, सो मैंने सोचा यार देखो चैनल भी मेरा उसी कैटेगरी से रिलेटेड है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो भाई उसके ऊपर एक वीडियो बना लिया जाए। तो मैंने इसी सोच के इसी वीडियो को बना दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि भाई ये वीडियो मेरा इतना हेल्प करेगा, क्योंकि भाई ये जो वीडियो है इस वीडियो ने मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवाया, साथ ही साथ इस वीडियो ने मेरा वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा गेन करके दिया। ठीक है, आप देख सकते हो 175K व्यूज़ है, कम नहीं, बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ है ये। सो कहीं ना कहीं तक ये वीडियो ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया और अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, और 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करवा लिया इसी वीडियो ने। ठीक है, सो आप सोच सकते हो कितना हेल्प किया होगा उस टाइम मेरा। सो अभी तो यार एक दिन में यार 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाते हैं, सो उस टाइम के लिए गाइज ये बहुत ही बड़ी चीज़ था। ठीक है, मेरे लिए। सो अब बात करते हैं गाइज इससे मैंने कितना अर्निंग किया। सो बेसिकली यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको लाइफ टाइम पर क्लिक करके व्यूज़ दिखा देता हूँ। तो लाइफ टाइम पर यहाँ पर व्यूज़ देख सकते हो 175K ही है। अभी मैं बैक चलता हूँ और रेवेन्यू पर चलता हूँ। यहाँ पर 28 डेज़ का रेवेन्यू देख सकते हो $0.24 है, क्योंकि अभी लोग सर्च करते नहीं है, ये टॉपिक एकदम ख़त्म हो गया है। सो लोग सर्च करते नहीं है इसलिए अर्निंग नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके लास्ट 90 डेज़ का देखता हूँ तो भाई लास्ट 90 डेज़ का 0.72। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितना व्यूज़ आ रहा होगा लास्ट 90 डेज़ में, आते ही नहीं है अभी इस पर। सो अगर मैं यहाँ पर लास्ट 365 डेज़ की बात करूँ, वन ईयर का, सो बस $4। ठीक है, एक साल में बस $4 इस वीडियो ने अर्निंग किया है। सो अगर मैं यहाँ पर लाइफ टाइम की बात करूँ तो भाई आप देख सकते हो $8। सो दो साल हो गए इस वीडियो के और टोटल $8 इस वीडियो ने अर्निंग किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 175K व्यूज़ पर इसने $8 क्यों कमाए। सो बेसिकली गाइस बात ये है कि उस टाइम मेरा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं था। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए। सो गाइस ये वीडियो जब 140K व्यूज़ क्रॉस किया था तो उस टाइम जाके मेरा चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था। ठीक है, सो उसके बाद से जो व्यूज़ मेरे आए उसी व्यूज़ के हिसाब से मुझे यहाँ पर अर्निंग हुआ। सो अगर ये पूरा व्यूज़ मैं काउंट करता और उस टाइम मोनेटाइजेशन ऑन रहता तो भाई शायद 5-6 हज़ार में अर्निंग कर लेता। ठीक है, इसी वीडियो से। ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए इतना ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता।
5-6 हज़ार आई मीन मिनिमम यहाँ पर कमा लेता, ठीक है। सो इस वीडियो से अगर आप मोनेटाइजेशन ऑन होता तो, सो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं था, सो इसीलिए थोड़ा अर्निंग लो हुआ। बस 30-40 हज़ार व्यूज़ पर मुझे $8 मिले, ठीक है। सो ये भी बुरा नहीं है, काफ़ी हेल्प किया मुझे इस वीडियो ने। आई मीन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया, बहुत ही ज़्यादा मेरा उस टाइम आई मीन मोटिवेशन फील करवाया गाइस इसी वीडियो ने। सो थैंक्स टू दिस वीडियो। अब मैं बात करता हूँ गाइस, एक चीज़ आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा आपके बारे में, आपके चैनल के लिए। सो देखिए गाइस, एक चीज़ तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, जब कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर लोग वीडियोस ज़्यादा बना रहे और वो टॉपिक आपके चैनल से रिलेटेड है, आपके कैटेगरी से रिलेटेड है, चाहे वो टेक हो, एडिटिंग हो, कॉमेडी हो या न्यूज़ वगैरह जो भी चीज़ हो, ठीक है, तो भाई आप रुको मत, उसके ऊपर एक दो जितना हो सके वीडियो बना के अपलोड कर दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, बस अपलोड कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई आपका चैनल वायरल होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उस टाइम आपका चैनल नया रहेगा और यूट्यूब भी लोगों के सामने रिकमेंड पर लाने की कोशिश करेगा ज़्यादा, ठीक है। सो लोग भी अगर देख लिए, वायरल हो गया, तो भाई सोच लो आपका काम बन गया, ठीक है, आपका 1000 सब्सक्राइबर चुटकियों में कंप्लीट हो जाएंगे। और यार इस तरह की वीडियोस, वायरल वीडियोस पर तो यार वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा आ जाता है, क्योंकि मैंने इस वीडियो पर देखा मुझे काफ़ी अच्छा खासा वॉच टाइम मिल गया था इस वीडियो से। सो इसलिए यार मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी इस तरह की वायरल टॉपिक निकलता है तो भाई आपके चैनल से रिलेटेड है तो भाई उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाओ, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा मेरा फर्स्ट वीडियो कैसे वायरल गया, उससे मैंने कितना अर्निंग किया। अगर आपको मेरा टॉप जो व्यू वाला वीडियो उसका रिलेटेड वीडियो एनालिटिक्स जानना है, सो कमेंट कर सकते हो, मैं लेकर आ जाऊंगा वीडियो। सो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड